हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि क्या सर स्कूल्स रीओपन का अपडेट दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ स्कूल्स अपडेट के लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलते रहे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि पिछले 8 डेज हमको हॉलीडेज डिक्लेयर किए गए हैं, अनएक्सपेक्टेडली हॉलीडेज हमको मिल गए हैं। और ये हॉलीडेज का रीज़न भी हमको पता है कि हॉलीडेज का रीज़न ये था कि ज़्यादा फ्लड आ चुका था तेलंगाना में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कम था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा था। और जो डिस्ट्रिक्ट में कम है वो लोग यही सोच रहे हैं कि अभी तो पूरा मौसम खुल गया है, फिर भी स्कूल्स रीओपन नहीं हुए हैं। हॉलीडेज 3 डेज एक्सटेंड कर दिए गए हैं। पहले 13 तक दिए गए थे, फिर 14, 15, 16 एक्सटेंड कर दिए गए हैं, और 15, 16 रख सकते थे ये कई लोग ये भी सोच सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो सारे तेलंगाना के लिए एक ही होता है। आप जानते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी फ्लड का पानी बह रहा है, और बहुत सारे स्कूल्स को शेल्टर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। जैसा निर्मल आदिलाबाद देखेंगे, बहुत सारे इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो स्कूल्स को शेल्टर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। रहने के लिए लोगों को वहाँ पर जगह ही नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हॉलीडेज को एक्सटेंड कर दिया गया था के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। लेकिन रिमेनिंग जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस रन कर रहे थे। अब अभी भी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, सर क्या स्कूल्स रीओपन होंगे अगर बारिश हुई, अगर मौसम खराब है? तो इस बार कोई भी हॉलीडेज एक्सटेंड होने वाले नहीं है, याद रखिए। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं, कोविड से देखेंगे तो कोविड के कारण जब से स्कूल्स एक सिस्टम में आना चाहिए उस तरह सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम देखेंगे तो एफए समेटिव असेसमेंट के बाद फोर्थ भी बार है कहकर हॉलीडेज एक्सटेंड कर दिए गए थे। फिर अब एक दिन ईद बकरीद थी, एक दिन फेस्टिवल संडे था, तो उसके बाद फिर हॉलीडेज 3 डेज एक्सटेंड कर दिए गए थे। फिर मौसम को देखकर 3 डेज एक्सटेंड कर दिए हैं। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब अगर बारिश होगी या मौसम खराब होगा तो फिर हॉलीडेज एक्सटेंड होंगे। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा, ये अच्छी तरह आप याद रखिए। अगर रेनिंग ज्यादा होती है या फ्लड फिर आता है या तूफान आता है, तो जिन डिस्ट्रिक्ट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है वहां पर अगर स्कूल्स एजुकेशन गवर्नमेंट चाहे तो बंद रख सकती है, लेकिन दूसरी जगह पर खुल जाएंगे, ये आप याद रखिए। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप लोग किस वजह किस इंटेंशन से कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि हमारा एजुकेशन पूरा तबाह हो चुका है और कई स्टूडेंट्स बहुत वीक हो चुके हैं एजुकेशन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह हॉलीडेज मिलते रहेंगे तो बहुत दिक्कत का सामना हमको करना पड़ सकता है। तो लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन आप इंटेंशन भी मत रखिए कि स्कूल्स रीओपन नहीं होंगे, हो जाएंगे। आपको मंडे से रेगुलरली जाना ही है, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रीओपन हो जाएंगे। बस अपना फोकस अपने स्टडीज पर रखिए, क्योंकि हॉलीडेज मिलते रहेंगे और आते रहेंगे, हॉलीडेज मिलते रहेंगे, स्कूल रन होते रहेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन हॉलीडेज अगर आपको मिलते हैं तो हॉलीडेज का बेनिफिट आपको स्टडीज पे उठाना है। ये नहीं कि हॉलीडेज हमको मिल गए, हम बाहर घूमेंगे, इधर उधर फिरेंगे, टाइम बर्बाद कर देंगे, तो ये टाइम आपको बहुत ही आगे चलकर बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ही आपको दिक्कत में डालने वाला है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी इस तरीके के अनएक्सपेक्टेडली मिलते हैं, तो उस वक्त आपको अपना रिविजन मुकम्मिल करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उस पर फोकस आपको करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में आपको किसी चीज़ पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है।
जैसा पहले हुआ करता था कि स्कूल अगर नहीं चल रहा है तो खाली बैठ गए, क्योंकि स्कूल को जाएंगे तो हमको पढ़ाई होगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप सोशल मीडिया पे हर सब्जेक्ट का हर लेसन आपको अपलोडेड है, आप उसके थ्रू भी अगर चाहे तो अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भूल चुके हैं। कोविड के दो दो इयर्स जो चले गए उसके अंदर बहुत सारा लॉस हो चुका है, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस हो चुका है। कई कंपनीज बंद पड़े हुए हैं, कई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। आप खुद अपने घर में देख रहे होंगे कि पेरेंट्स को आपको कितनी दिक्कत हो रही है अपनी फीस अरेंज करने में, फीस पे करने में। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को, हम सभी पेरेंट्स को सलाम करता हूँ, सभी पेरेंट को सल्यूट मैं करता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मेहनत और मशक्कत और मजदूरी सब करते हैं, लेकिन अपने लड़का या लड़की को किसी चीज़ में कमी महसूस नहीं होने देते। ये पेरेंट का ही दिल होता है, दूसरे कोई भी नहीं कर सकते। उन सारे पेरेंट्स को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जिसने अब बहुत ही मेहनत से खुद अपने पेट को 3 टाइम 3 वक्त का खाना नहीं खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अपने से अच्छा देखने के लिए मेहनत मशक्कत करके वो लोग अपनी फीस टाइम पर पे करते हैं, आपको टाइम पर पका कर देते हैं, टाइम पर आपको खिलाते हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने पेरेंट्स के दो एक्सपेक्टेशन है, जो भरोसा है उस पर आपको कायम रहना है, उस एक्सपेक्टेशन को सच करके आपको दिखाना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिकली हमको बहुत ही असर हुआ है कोविड के बाद, मैं समझ सकता हूँ। और पढ़ाई ही नहीं, सिर्फ हर चीज़ पे इफेक्ट हुआ है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, फिर भी आपको हर चीज़ टाइम पर मैसर हो रही है, मिल रही है, उसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक्स रीडर्स आ गए होंगे, अभी आपको इसी महीने में, जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 भी आ जाएगा। उसके बाद सितंबर में या अक्टूबर में आपको सबमिटिव असेसमेंट 1 आएगा। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा, साथ ही साथ आपको सबमिटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, 2, 3, इस तरह 4 आते जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए हर टेस्ट के लिए तैयारी करना है। आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, मैंने भी रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, अभी भी रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th का मैथमेटिक्स धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, तेलुगु कम्प्लीटली अपलोड कर दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपको हर लेसन आपको मिल जाएगा। 10th के न्यू रीडर रहने के कारण धीरे धीरे लेसन्स अपलोड कर रहा हूँ, 2 लेसन्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अब रहा मैथमेटिक, तो 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 के चंद चैप्टर्स किया है, रिमेनिंग चैप्टर्स करने की कोशिश करूंगा। 10th क्लास के ऑलरेडी सारे चैप्टर्स अपलोड किया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रोज 1 घंटा आधा घंटा आप विदाउट ट्यूशन विदाउट स्पेशल क्लास के इस चैनल के थ्रू भी आप सीख सकते हो। बस कोशिश ये करीजिए कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है वही सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। इजी सब्जेक्ट कोई भी पढ़ सकते हैं, जो हमको नहीं आता है उसको ही हम कोशिश करना है, वही अकलमंदी है। क्योंकि हर ठोकर इंसान को जगा देता है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझको मैथमेटिक्स नहीं आता है, मुझको फिजिक्स नहीं आता है, वो छोड़कर रिमेनिंग सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये बिल्कुल आप नहीं कह सकते। 10th लेवल तक तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना ये चाह रहा था कि अलर्ट हो जाइए, कल से स्कूल्स कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि जो आपका लॉस हो चुका है 8 डेज में उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग से ही आप अच्छा पढ़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फॉर्मेटिव में पढ़ेंगे, सबमेटिव में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, ये स्ट्रेटजी बेकार स्ट्रेटजी है, वेस्ट स्ट्रेटजी है, इससे कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब से आज से ही अभी से अगर आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो एक एक स्टेप करते करते आप आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। खैर, आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट को सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकता मैं 100%। कोई भी
स्पीकर या कोई भी आपका पॉलिटिशियन, कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर है, 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। 50% स्टूडेंट्स होते हैं जो समझ सकते हैं, 50% स्टूडेंट होते हैं जो बैक बैड कमेंट करते हैं, जो अंडरस्टैंड नहीं कर लेते। तो खैर, जो 50% स्टूडेंट्स है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ही मैं अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको मेरे बातों से कुछ सीखेंगे, कुछ आपके दिमाग में जाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपको असर होगा। इसी मकसद से हर संडे, एवरी डे, एवरी संडे मैं एक मोटिवेशनल स्पीच अपलोड करता हूँ, ताकि आपको कुछ मैं सिखा सकूँ, कुछ आपको कह सकूँ। सिर्फ मैं कह सकता हूँ, प्रैक्टिकली सिर्फ आपको ही करना होगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट्स पे बोझ डाला जाए, स्टूडेंट पे वजन डाला जाए, ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट को नज़र में रखकर ही बनाते हैं। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करता, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट मिल गया होगा। ऑल द बेस्ट। अभी स्टूडेंट्स चैनल पे बने रहने।